जो लोग पॉर्न वीडियो देखने के शौकीन हैं वो जरा सावधान हो जाएं, खासतौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अब अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा वीडियो देखेंगे या फिर उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कोई भी करेगा, उसे अपराध ही समझा जाएगा और इसके लिए उन्हें सजा भी सुनाई जा सकती है। बच्चों के खिलाफ बढ़ता यौन अपराध आज सबसे बड़ी चिंता की बात है। समाज में जिस तरह से मासूम बच्चों के साथ हैवानियत की वारदातें हो रही हैं, वो समाज के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के बाद दरिंदे मासूम बच्चों को शिकार बना रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना भी पॉस्को के तहत अपराध माना जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री जैसे शब्द लाने के लिए अध्यादेश जारी करने का भी अनुरोध किया। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के बाल पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को भी कहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है। बच्चों का पॉर्न देखना भले ही कोई अपराध ना हो, लेकिन बच्चों का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में गंभीर गलती की है, इसीलिए इसे खारिज करते हैं और केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न की घटनाओं के आधार पर यह फैसला जरूरी था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत में अश्लील वीडियो बनाने को लेकर क्या कानून है। तो भारत में ऑनलाइन पॉर्न देखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन पॉर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है। ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ 3 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कई कानूनी नियम भी बनाए गए हैं। ऐसे में अपराधों में पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई होती है। जैसे जैसे मोबाइल फोन लोगों के करीब आया, तब से पोर्नोग्राफी में तेजी आई। सो साल 2026 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 120 करोड़ होने की उम्मीद जताई गई है। यही नहीं, दुनिया की टॉप वेबसाइट पॉर्न हब ने बताया है कि भारतीय औसतन एक बार में पॉर्न वेबसाइट पर 8 मिनट 39 सेकंड का समय गुजारता है और भारत में पॉर्न देखने वाले 44% यूजर्स की उम्र 18 से 24 साल है, जबकि 41% यूजर्स 25 से 34 साल की उम्र के हैं। इसके अलावा गूगल ने साल 2021 में रिपोर्ट जारी कर बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखने के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है। वहीं पॉर्न हब वेबसाइट के मुताबिक इस वेबसाइट को यूज करने वालों में भारतीय 3रे नंबर पर आते हैं। पॉर्न देखने के मामले में सबसे आगे पाकिस्तान है, उसके बाद मिस्र का नंबर आता है। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों की कुत्सित मानसिकता ही पहली वजह है जो बच्चों तक को नहीं छोड़ रही। आज तक हर हाथ में मोबाइल की पहुंच हो गई है, जिसके बाद पॉर्न आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सख्ती के आदेश दिए हैं, तो देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में इसका क्या असर दिखाई देता है।